अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री के आपके ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने कुछ थेरीज करनी है बिल्कुल इनिशियल। इसके अंदर दो थेरीज बेसिक सबसे पहले बताएगा। सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में जो पहली थेरी दी थी, उसने दो बातें बताई थी एटम के बारे में, दैट एटम इज इंडिविजिबल एंड एटम इज स्मॉलेस्ट। एटम जो है उसको ना तो डिवाइड किया जा सकता है, डिविजिबल कोई ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड किया जा सकता हो, और इंडिविजिबल एक ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड ना किया जा सकता हो। और दूसरी बात उसने बताई थी, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये दो बातें जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन की थी। लाइक अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, एटम इज एन इंडिविजिबल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाल्टन की थ्योरी के बारे में बताएं कि डाल्टन की थ्योरी है क्या, तो आपने बता देना है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इंडिविजिबल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि जब कभी भी साइंटिफिकली किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही होती है, तो उस रिसर्च के अंदर जो पहली वाली बातें होती हैं वो भी मौजूद होती हैं, लेकिन पिछली बातें गलत साबित होती जाती हैं, और जो नई बातें हैं वो आगे से आगे चलती चली जाती हैं, और जो नई बातें हैं उनको हाईलाइट कर लिया जाता है, और पिछली बातों को के अंदर, यानी कि जिनके अंदर अमेंडमेंट हम लोगों ने की होती है, वो इंटैक्ट रहती हैं, वैसे ही मौजूद रहती हैं, उनको माना नहीं जाता लेकिन याद ज़रूर रखा जाता है कि उन साइंटिस्ट ने भी उस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो सबसे पहले जो इस पे काम करने वाला आदमी था, दैट वाज जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम इज इंडिविजिबल एंड एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये सबसे पहले थ्योरी आ गई एटम की। फिर जाहिर सी बात है कि डाल्टन की थ्योरी ठीक नहीं थी उस टाइम के मुताबिक, तो ऑब्वियसली ठीक थी, लेकिन आज के टाइम के मुताबिक या जैसे जैसे ज़माना आगे गुजरता गया, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती गई, तो पुरानी वाली थ्योरीज को गलत साबित होना होता है। तो आप भी जानते हैं कि एटम के अंदर तीन चीज़ें हैं। एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन भी मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि आप एटम को डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसका मतलब एटम इंडिविजिबल तो नहीं रहा। फिर अगर एटम के अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो एटम खुद तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना हुआ, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम के अंदर एटम खुद नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो चीज़ बता रहे हैं इसके मुताबिक ये जो एटम की जो थ्योरी डाल्टन ने प्रेजेंट की थी वो गलत है। उसकी जगह पे फिर आगे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब का मतलब डाउनवर्ड छोटा वाला पार्ट, एटॉमिक एटम, तो एटम से जो छोटा पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर अभी तो जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, वैसे इनके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन आपकी बुक चूंकि इन तीनों को डिस्कस कर रही है तो हम भी सिर्फ इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करते हुए सबसे पहले एक आदमी था जिसका नाम था गोल्डस्टाइन, उसने पॉजिटिव पार्टिकल्स डिस्कवर किए थे और वो हैं प्रोटॉन्स। फिर एक बंदा था जिसका नाम था जे.जे. थॉमसन, उसने नेगेटिव पार्टिकल्स एक्सप्लेन किए थे एंड दैट वर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम गोल्डस्टाइन एंड इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम जे.जे. थॉमसन। ठीक है, प्लस जे.जे. थॉमसन की एक और कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि उसने प्रेजेंट की थी एक थ्योरी जिसका नाम है पम पुडिंग थ्योरी। पम पुडिंग थ्योरी, देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि जब कभी भी आपने किसी चीज़ को, किसी डेफिनेशन को, किसी थ्योरी को, कुछ भी पढ़ना होता है साइंसेस के अंदर स्पेशली, तो आप क्या करते हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। मतलब उनके नाम के ऊपर अगर आप गौर करें तो उसी के अंदर से वो डेफिनेशन निकल रही होती है। देखें जैसे अभी हम लोगों ने देखा एटम, एटम ऑब्वियसली नाम डाल्टन ने रखा होगा ना, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वॉज वर्किंग ऑन इट। तो ए का मतलब होता है नॉट, टम का मतलब होता है कट, तो इसका मतलब एटम काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो डाल्टन की थ्योरी क्या कहती थी आपको कि एटम इज इंडिविजिबल, तो वही बात प्रूफ हो गई। इसी तरीके से सब एटॉमिक, सब का मतलब स्मॉलर, एटॉमिक का मतलब एटॉमिक, एटम से, तो एटम से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बिल्कुल इसी तरह से पम पुडिंग थ्योरी भी डेफिनेशन, इस थ्योरी का जो नाम है ये नाम ही हमें आगे एक्सप्लेन करेगा कि एटम है क्या असल में। अकॉर्ड इस पम पुडिंग थ्योरी के अंदर एटम को बताया क्या जा रहा है। देखें पुडिंग जो होती है ना, पुडिंग ये एक जिस तरह से हमारा कस्टर्ड होता है ना, या आम अल्फाज के अंदर अगर हम बोलें तो खीर जिस तरह से होती है, तो कस्टर्ड या जो खीर है दैट इज़ कॉल्ड पुडिंग इन इंग्लिश। ठीक है, और इसी तरह से जो प्लम होता है ये बादाम को बोलते हैं,
ठीक है, तो बादाम या जो उसके अंदर पुडिंग के अंदर जो लवाजमात आप उसके अंदर डालते हो, तो वो उस तरह से होता है। तो अगर आप एक पुडिंग का बाउल देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बाउल ऑफ पुडिंग, और इस बाउल ऑफ पुडिंग के अंदर जाहिर सी बात है बहुत सारे बादाम और मेवे जात और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी मौजूद होती हैं, तो वो सुपरफिशियल नहीं होती, वो इसके अंदर तक एम्बेड होती हैं, अंदर भी धंसी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एटम इज़ जस्ट लाइक अ बाउल ऑफ पुडिंग इन विच प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। जो पम पुडिंग थेरी की स्टेटमेंट है, ये आपने इन्हीं एज सच वर्ड्स को अपने जहन के अंदर बिठा लें कि अकॉर्डिंग टू पम पुडिंग थेरी एटम इज जस्ट लाइक अ बाउल ऑफ पुडिंग इन विच प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। डेफिनेशन क्लियर होगी, एटम इज जस्ट लाइक अ बाउल ऑफ पुडिंग इन विच प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जस्ट लाइक पम्प्स आर एम्बेडेड इन द बाउल ऑफ पुडिंग। ठीक है, जिस तरीके से पम जो होते हैं, बादाम जो होते हैं, वो एक पुडिंग के बाउल के अंदर अंदर के धंसे हुए होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एटम भी एक बाउल ऑफ पुडिंग की तरह से है, खीर के बाउल की तरह से है, जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अंदर एम्बेडेड मौजूद होते हैं। तो ये थी आपके पास जी पम पुडिंग थेरी, और मैंने साइंटिस्ट के नाम भी सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको साइंटिस्ट के नाम आने चाहिए, डाल्टन ने क्या बोला था, एटम इंडिविजिबल है और स्मॉलेस्ट है। गोल्डस्टाइन ने एक काम किया था कि उसने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। इसी तरीके से जजे थॉमसन एक आदमी था जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्ट है। इसी तरीके से जजे थॉमसन ने एक और थेरी दी थी जिस थेरी का नाम था पम पुडिंग थेरी। तो ये अब तक का जितना पोर्शन है ये मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, और जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपको इसके अंदर से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। अब हम जा रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है, या आपसे कैथोड रेस की प्रोडक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। ठीक है, तो कैथोड रेस की प्रोडक्शन आपसे पूछ सकता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर। और सबसे पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि विलियम क्रुक्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आ जाया करता है अक्सर पेपर के अंदर, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ बल्कि कि आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपने हमेशा उसको हेडिंग्स के साथ लिखना है, हेडिंग्स के बगैर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना। तो मैं उसी तरीके से हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं अपने पास, आप एक दो सेशंस के बाद, एक दो लेक्चर्स के बाद आप आदी हो जाएंगे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है प्रॉपर। तो मैं सारा समझा देता हूँ, फिर मैं साथ साथ ही सारी हेडिंग्स भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस किस तरीके से आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है। और इसी तरीके से अगले वाले लेक्चर्स भी ऑलमोस्ट इसी सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होंगे, और आपने आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है, हेडिंग्स के बगैर लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं लिखना। खैर, सबसे पहला आ जाता है स्ट्रक्चर। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, डिस्चार्ज ट्यूब की जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक पूरी ट्यूब है, इस तरीके से ट्यूब है, एंड दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, शीशे की एक बनी हुई ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया और एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो जो कैथोड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। कैथोड जो होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड जो एनोड है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इन दोनों को आपने बाहर बहुत ज़्यादा सारे वोल्टेज के साथ लगा दिया। क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि बाहर आपने इसको बहुत ज़्यादा सारे वोल्टेज के साथ अटैच कर दिया, इसका मतलब आपका जो वोल्टेज है दैट इज़ वेरी हाई। ठीक है, ये थाउजेंड्स के अंदर इसकी वोल्टेज होती है, मेरे ख्याल है आपकी बुक ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन लाइक 1000 से लेके ऑलमोस्ट 10,000 तक इसकी वोल्टेज जारी होती है, आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई रखनी होती है। प्लस आप यहाँ पे बाहर लगाते हो एक वैक्यूम पंप, और इस वैक्यूम पंप के थ्रू आप इसके अंदर से मैक्सिमम जो एयर है उसको निकाल देते हो। जब आपने मैक्सिमम एयर निकाल दी तो इसका मतलब प्रेशर जो हो जाएगा इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा। तो वोल्टेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है और प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो है। वो करने के बाद आप जैसे ही बैटरी के साथ इसको अटैच करते हो, तो अटैच करने की वजह से होता क्या, आप देखते हो कैथोड के अंदर से कुछ रेडिएशंस हैं जो निकलती हैं और एनोड की तरफ सीधी जाना शुरू हो जाती हैं। क्या मैंने बताया,
कैथोड की तरफ से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो सीधी स्ट्रेट ट्रैवल करती हुई कहाँ पे चली जाती है, एनोड की तरफ। तो ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट क्या था जी, हम लोगों ने एक ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब लेने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स फिट किए, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बहुत ही हाई वोल्टेज के साथ अटैच करा दिया, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वैक्यूम पंप के थ्रू इसका प्रेशर हमने रिड्यूस कर लिया, तो जो वोल्टेज है इसकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और जो प्रेशर है इसका वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। लो होने के बाद जैसे ही हम लोगों ने बैटरी के साथ इसको अटैच किया तो कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जो कि कैथोड से निकलेंगी और एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी जी आज की हमारी इसका एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस करना था कि एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर ये जो रेडिएशन थी, चूंकि ये कैथोड से निकल रही थी, दैट्स वाई दे आर नेम्ड एज कैथोड रेस, ठीक है। तो कैथोड रे इनको बोलते ही इसलिए क्योंकि ये कैथोड से निकलने वाली है, ठीक है। और आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो कैथोड रेज हैं ये बेसिकली कोई रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे पता चलता है, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो आपसे पूछता है कि कैथोड रेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनकी कोई खासियत बताओ हमें जी, हमें पहचान करनी है कैथोड रेस की, कैथोड रेस होती कैसे है। तो सबसे पहले जो इसकी है दैट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ये अगर आप देखो कैथोड की सरफेस, तो कैथोड की सरफेस से इस तरीके से ये निकल रही हैं, तो इनके साथ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा राइट एंगल के ऊपर मूव करती हैं। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। कैथोड रेज ऑलवेज मूव परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये रही कैथोड की सरफेस, इससे हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेंगी कैथोड रेज। तो डायरेक्शन वाली पॉइंट आपको समझ में आ चुका होना चाहिए कि कैथोड रेज जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव करती हैं कैथोड सरफेस से। सेकंड, शेडो। जिस तरीके से लाइट है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर लाइट फॉल करते हो तो उस चीज़ का आगे जाके शेडो बन जाता है, इसी तरीके से वो आपको बताता है कि कैथोड रेज भी जब आप किसी चीज़ के ऊपर फॉल करोगे तो वो उसका भी शेडो बना देंगी, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आपने कैथोड रेस के रास्ते के अंदर रखी तो उसका एक शार्प शेडो बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट वैसे क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर से लाइट आप पास नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो एक शार्प किस्म का शेडो बना देती है जब कभी भी वो फॉल कर रही होती है, लाइक पास उसका शार्प शेडो बन जाता है जब भी उसके ऊपर कैथोड रेस फॉल कराई जाती है। फिर वो कहते हैं आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के तो देखो कि इससे होता क्या है। मसलन कि ये कैथोड रेस यूँ स्ट्रेट स्ट्रेट जा रही थी, मैंने क्या किया, इसके एक तरफ एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एक तरफ इसके नेगेटिव प्लेट लगा दी, ठीक है। तो ये बजाय इसके कि ये स्ट्रेट पाथ करती हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। जाना इनको सीधा चाहिए था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट आई तो ये उसकी तरफ मुड़ जाएंगी। तो आपको भी पता है कि हमेशा ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं, ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा था, कैथोड रेस के ऊपर, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जब कभी भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान से मूव करेंगी तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ को बेंड कर जाएंगी, ठीक है। आपकी बुक के अंदर जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। इनके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज के साथ की तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर क्या है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप कैथोड रेस को फॉल करोगे उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। जो भी चीज़ है जिसके ऊपर भी आप उसको फॉल करोगे, पहले तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी ना कि उसका शेडो बनता है, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका होता है। उसकी किसी भी चीज़ की अगर आप ई ओवर एम वैल्यू पता लगा लो ना तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ क्या है। तो जब इसकी ई ओवर एम वैल्यू फाइंड आउट की गई बाय जे जे थॉम्सन ने ये भी काम किया था, मतलब अब जे जे थॉम्सन की कंट्रीब्यूशन पे तीन काम हो गए। पहले जे जे थॉम्सन ने क्या किया, पंपोडिंग थेरी दी, फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए, और अब तीसरा उसने क्या किया, ई ओवर एम रेशो फाइंड आउट की। अब जे जे थॉम्सन ने ई ओवर एम रेशो फाइंड आउट की कैथोड रेज की, और उससे उसको पता चला कि ये जो कैथोड रेज है ये कैथोड रेज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात किसने बताई आपको, जे जे थॉम्सन ने, क्योंकि उसने उसकी ई ओवर एम वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर किसी वजह से ये जो कैथोड रेज हैं ये इधर से एनोड हटा लो या इसको परफोरेट कर दो और ये पीछे जाके ग्लास की दीवारों के साथ टकराने लग जाएं तो यहाँ पे चमक प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, चमकेगा, एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो वो कहता है कि लाइट फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है व्हेन दे हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, एंड द लास्ट वन इज डिपेंडेंस। वो कहता है कि आप इसके अंदर जो मर्जी गैस फिल कर दो, जिस किस्म की मर्जी गैस इसके अंदर हो, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो डिपेंडेंस इसकी क्या है,
नो डिपेंडेंस, ये डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं, तो इसी वजह से ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जो कैथोड रेज हैं, वो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। आप इसके अंदर जिस किस्म की मर्जी गैस फिलअप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस दैट इज़ प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एंड लास्ट पे आपकी इन्फ्रेंस क्या निकलती है, कि जो कैथोड रेज हम लोगों ने सारी पढ़ी, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने सारी पढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ क्या थी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी थी। तो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमारे पास आ जाती है ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसका पूरे का रिजल्ट ये निकलता है, इन्फ्रेंस हम इससे ये लेते हैं कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन्स की ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी। लास्ट चीज़ और इसको ख़त्म करते हैं, इस लेक्चर को, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। इसके अंदर अब हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है इन हेडिंग्स को, कि ये हेडिंग्स हमने किस तरीके से लगाई। सबसे पहले स्ट्रक्चर बताना है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या है जी? आपको पता है कि वो ग्लास की बनी हुई है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, पार्ट्स पार्ट्स के अंदर आपने ये इलेक्ट्रोड्स एक्सप्लेन कर देने हैं, कि इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स को आपने वायर्स के थ्रू एक बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो पार्ट्स के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। कंडीशंस, कंडीशंस में आपने दो चीज़ें बतानी है, यहाँ पे जो वोल्टेज आपने हाई किया है और यहाँ पे जो प्रेशर आपने लो किया है, इन दोनों की वैल्यूज़ भी देनी है। इसकी वैल्यू है 10^-4 ATM, ये आपकी बुक के अंदर मैंशनड है, और इसकी 1000 से लेके 10000 तक इसकी वैल्यू होती है, बहुत ही हैवी हाई वोल्टेज होता है इसका। ठीक है, उसके बाद डायग्राम, डायग्राम आपने ये बना देनी है, जो भी ये डायग्राम इस तरीके से, आप बुक वाली प्रेफर करना चाहो तो वो भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप पूरा लेबल करके जैसे मैंने बनाई है आप बना सकते हो तो दैट्स ओके। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर, प्रोसीजर के अंदर आपने बता देना है कि आपने इसको वोल्टेज को ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद रेज ट्रैवल करेंगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, और जब ट्रैवल कर जाएंगी तो फिर उसके अंदर से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। रिजल्ट्स उसके क्या निकलते हैं, कि रेडिएशन जो है, जो रेज हैं कुछ, वो निकलती हैं कैथोड से और एनोड की तरफ चली जाती हैं। कैरेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन हमने बता दी, परपेंडिकुलर टू कैथोड सर्फेस, शैडो जब भी किसी चीज़ के ऊपर फॉल करेंगी तो उसका शैडो बना देंगी ओपेक ऑब्जेक्ट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी आप उनके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करती हैं। फिर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अंदर आपने क्या किया कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप इसको फॉल कराओगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जेजे थॉमसन ने उसकी ई ओवर एम वैल्यू फाइंड आउट की और उससे हमें पता चला कि दे आर इलेक्ट्रॉन्स। लाइट, जब कभी भी वो ग्लास के साथ टकराएंगी तो वो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, और डिपेंडेंस इसकी कोई नहीं है कि वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। सो आज के लिए इतना ही, इसके अंदर एक मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया है और चंद शॉर्ट क्वेश्चंस कवर किए हैं, और ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि इसके अंदर से भी बहुत सारे शॉर्ट्स बना के पूछ सकता है, तो हेडिंग्स के साथ जब आप लॉन्ग लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मेरा ख्याल है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बुक से आप पढ़ लीजिएगा, अगर किसी किस्म की कोई क्यूरीज हों तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम ऑल द टाइम अवेलेबल हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।